हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प फॉर ब्लाइंड में। मेरा नाम है अभिषेक। सो फ्रेंड्स, आज हम एक एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जो एक TTS है और जिसका नाम है सेरा TTS। तो आज हम इसी TTS के बारे में जानेंगे। यह एक इंग्लिश TTS है जो बहुत अच्छी TTS है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको इसके बारे में पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर लाइक करते हुए चलिएगा, और जिनको नहीं पता वो वीडियो में आगे बने रहेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सो फ्रेंड्स, इसका एक zip फाइल है, उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर, सिस्टम लॉन्चर। ये रहा फाइल मैनेजर, मैं ओपन करता हूँ। फाइल मैनेजर, ओपन नेविगेशन बार, बटन, फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर में आने के बाद चलते हैं हम इंटरनल स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज, टैप होम, बटन। ये रहा इंटरनल स्टोरेज, मैंने टैप कर दिया। अब यहाँ हम डाउनलोड का फोल्डर खोजते हैं। ये देखिए डाउनलोड का फोल्डर हमें मिल गया। तो चलते हैं इसके अंदर। तो हम आ गए डाउनलोड के फोल्डर के अंदर, और ये देखिए सेरा यूके इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस .zip, ऐसा इसने कहा। तो चलिए हम सिंपली इस पर टैप करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सेरा यूके इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस .zip इसने कहा, आगे चलते हैं। तो इसने कहा टोटल टू फाइल्स 160 MB। तो आगे चलते हैं। सेरा यूके इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस, ये दिखा रहा है। कैंसिल बटन, कैंसिल। टेक्स्ट इनकोडिंग बटन, टेक्स्ट इनकोडिंग, ये कुछ नहीं है। एक्सट्रैक्ट बटन, और ये रहा एक्सट्रैक्ट का बटन। तो हम सिंपली इसी पे टैप करते हैं। एक्सट्रैक्ट सेरा यूके इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस .zip ऑन टॉप, स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन बॉटम, शोइंग इंग्लिश इंडिया QWERTY कीबोर्ड एडिटिंग सेरा यूके इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस एडिट बॉक्स एक्सट्रैक्ट सेरा यूके इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस .zip। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने यहां कीबोर्ड ओपन हो जाती है और एडिट बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ सेरा यूके इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस .zip लिखा हुआ रहेगा, और ना लिखा हुआ रहे तो आप कुछ अपने मन से लिख दीजिएगा, और जो है फिर कैंसिल और ओके का ऑप्शन रहेगा। तो आपको सिंपली ओके पे टैप करना है। तो मैं दिखा देता हूँ एडिट बॉक्स में लिखा हुआ है। ये देखिए एडिटिंग सेरा यूके इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस, इसने कहा, आगे चलते हैं। कैंसिल बटन, कैंसिल, ओके बटन, ओके। तो हम ओके पे टैप करते हैं। ओवर डिस्ट्रैक्टिंग ऑन टॉप, स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन बॉटम, इंग्लिश इंडिया QWERTY कीबोर्ड हिडन 14% एक्सट्रैक्टिंग, 14% हो गया, हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं। सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड फाइल्स, टैप होम बटन, फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर। तो ये सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो गया। अब चलिए मैं दिखाता हूँ। सेरा यूके इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस, 28th of January 2021, 2:29 PM, 2 items। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। सेरा यूके इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस, 28th of January 2021, 2:29 PM, 2 items। तो ये ऐसा बोल रहा है, एक्सट्रैक्ट हो गया, इसीलिए। तो चलते हैं इसके अंदर। टैप होम बटन। तो चलिए दिखाता हूँ। सेरा TTS 401 कॉम सेरा, कॉम सेरा, 28th of January 2021, 2:29 PM, 1 item, 1 2 कॉम सेरा प्रेक सेरा। तो ये जो है एक फोल्डर है जिससे हमें मूव करना है अपने एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर। एक OBB नाम का फोल्डर मिलेगा, ओब नाम का, तो उसमें हमें मूव करना है। और इसके जो APK है उसे हमें इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये इसका APK है। और चलिए तब हम इसके फोल्डर को जो है उसे हम एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर ओब नाम के फोल्डर के अंदर मूव कर लेते हैं।
तो ये इसने कहा चलिए इसे होल्ड करते हैं, लॉन्ग प्रेस। तो इसे मैंने लॉन्ग प्रेस किया। अब चलते हैं मोर ऑप्शन के बटन पे। मेन्यू बैज आइकॉन बोलता है, पर ये मोर ऑप्शन है, तो चलते हैं इसके अंदर। ये रहा मूव टू, कॉपी टू, और कॉपी टू। तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी। तो हम चलिए मूव कर लेते हैं। तो मैं तो मैंने मूव टू पे टैप किया। अब आगे चलते हैं। Network storage, disabled. Six, internal storage, five, seven. तो यहाँ इंटरनल स्टोरेज मुझे मिला, उस पर मैं टैप करता हूँ। अब यहाँ एंड्रॉइड का फोल्डर हम खोजते हैं। ये रहा, मुझे एंड्रॉइड मिल गया। अब चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ डेटा का सबसे पहला फोल्डर है। आगे चलते हैं। फिर एक मीडिया नाम का फोल्डर है। आगे चलते हैं। और ये देखिए ऑब, ऑब नाम का एक फोल्डर हमें मिल जाता है। तो इसी के अंदर हम चलते हैं। तो हम आगे इसके अंदर। अब यहाँ हमें इसे मूव करना है, तो चलिए सिंपली यहाँ नीचे कैंसिल और ओके का ऑप्शन है, तो ओके पे टैप करते हैं। ये रहा ओके, और ये रहा कैंसिल। तो चलिए हम ओके करते हैं। और वो जो है अब मूव हो गया, वो जो है मूव हो गया। अब यहाँ जो उसका एपीके है उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये रहा उसका एपीके, चलिए इसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो इसने कहा आप क्या इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं। ये रहा कैंसिल, और ये रहा इंस्टॉल का बटन। तो हम इसी पे टैप करते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये जो है हमारे मोबाइल पे अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तब हम सिंपली होम करते हैं। ओके, तो हम अपने होम स्क्रीन पे आ गए हैं। अब चलिए मैं दिखाता हूँ एप्लीकेशन सेरा टीटीएस को कैसा है। ये रहा सेरा टीटीएस, तो चलते हैं इसके अंदर। तो ये जो है आपके इंटरनल स्टोरेज का मतलब स्टोरेज का परमिशन मांगता है, तो हमें जो है इसे स्टोरेज का परमिशन देना है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा कैंसिल, और कंटिन्यू। तो कंटिन्यू पे टैप करते हैं, और जो है इसे स्टोरेज का परमिशन हम दे देते हैं। तो ऐसा मैसेज आ सकता है जिनके में एंड्रॉइड 10 रन कर रहा है, तो इसे हम सिंपली ओके करते हैं। ये ऐसा मैसेज आ सकता है, पर ये जो है आपके मोबाइल पे अच्छा से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो हम ओके पे टैप करते हैं। ओके बटन, ये रहा ओके बटन, तो ओके करते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ इसका नाम है, फिर जो है एक एडिट बॉक्स है। Welcome to the new Android app from Sirpro. Enter text here and press play. Edit box. ये रहा एडिट बॉक्स। Speak button. और ये रहा एक स्पीक बटन, तो इसे हम टैप करके जो है सुन सकते हैं इसकी वॉइस कैसी है। और आगे चलते हैं। Stop button. और स्टॉप से जो है वो जब बोलता है यहाँ स्पीक बटन पे टैप करने से, तो हम स्टॉप के बटन पे टैप करके उसे स्टॉप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Info button. इन्फो आगे है, आगे चलते हैं। तो यहाँ स्पीच रेट वगैरह बढ़ाने के लिए ये देखिए, ये रहा 50% पे है। ये पिच बढ़ाने के लिए, ये भी 50 पे।
तो आगे चलते हैं। Stop recording. 10 minutes. आगे और कुछ नहीं है तो हम स्पीक वाले बटन पे टैप करते हैं। Sir, TT, welcome to the new Android app. Speak button. ये रहा स्पीक बटन, चलिए मैं टैप करके आप लोग को दिखाता हूँ। Welcome to the new Android app from Seraproc. Enter text here and press play. तो ये कुछ इसका इंटरफेस है। तो अब चलिए हम होम करते हैं और टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जाके जो है इसे हम अपना डिफॉल्ट टीटीएस बना लेते हैं। सिस्टम लॉन्चर, सेरा टीटीएस, सिस्टम लॉन्चर। तो इसको मैंने होम किया। अब जो है आप लोकल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की मदद से भी आप जो है टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जा सकते हैं। नहीं तो आप सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाके और जो है टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जा सकते हैं। तो हम यहाँ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करते हैं। ये रहा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, मैंने ओपन किया। अब चलते हैं टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में। ये रहा टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग, तो चलते हैं। तो चलिए हम इसे अपना डिफॉल्ट टीटीएस बनाते हैं। प्रेफर्ड इंजन स्मार्ट वॉइस पे अभी सिलेक्ट है तो हम सेरा टीटीएस पे करते हैं। ये रहा गूगल टेक्स्ट टू स्पीच गूगल टीटीएस। ये रहा सेरा टीटीएस। Check, radio button, check, smart voice, 4. और स्मार्ट वॉइस, तो स्मार्ट वॉइस का सिलेक्ट है तो हम सेरा टीटीएस पे कर लेते हैं। तो यहाँ कैंसिल और ओके का है, ओके पे टैप करते हैं। Using Sera TTS, preferred engine, ticked, radio button, ticked, Sera TTS, 3 or 4, enlist, 4 items, preferred engine. तो ये जो है अब Sera TTS पे सिलेक्ट हो गया। चलिए यहाँ से हम बैक करते हैं। Back. Text to speech output, preferred engine, Sera TTS, 1 of 6, enlist, 6 items. Text to speech output. Sera TTS पे सिलेक्ट है, आगे देखते हैं। Settings button. यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पे इसमें कुछ नहीं है, ये काम भी नहीं करता है। मैं टैप करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए मैं टैप किया पर ओपन नहीं हुआ। फिर से टैप करके दिखाता हूँ। ये देखिए पर ये ओपन नहीं होता है, इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए चलिए आगे दिखाता हूँ। लैंग्वेज इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम, 2 of 6। फिर लैंग्वेज यहाँ जो सिलेक्ट करने के लिए होता है वहाँ पर यू सिस्टम लैंग्वेज होगा, पर यूनाइटेड स्टेट पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं तो जो है यहाँ डिसेबल्ड स्पीच रेट 4 of 6, स्पीच रेट या पिच आपका कम ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जो है आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आगे दिखाता हूँ। 20% स्पीच रेट सी कंट्रोल। ये रहा स्पीच रेट। पिच 5 of 6, 20% पिच सी कंट्रोल। और ये रहा पिच, तो आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं और जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। और जो है अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे टैप करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के अबाउट पेज में जाके वहाँ ज्वाइंड माय टेलीग्राम चैनल या ज्वाइंड माय टेलीग्राम चैनल ऐसा कुछ बटन मिलेगा आपको, तो उस पर आप टैप करके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी। वहाँ आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे यूजफुल। और अवार्ड पेज में एक ज्वाइंड माय ग्रुप्स का बटन मिलेगा, उस पर आप टैप करके जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, जय हिंद।